Hey there, welcome back to my channel. In this video, I will explain you what are the mutual fund and its types and how to invest in it. So let's get started. What are mutual funds? म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली एक पूल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें काफ़ी वैरायटी के इन्वेस्टर्स, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर मिलके एक फंड मैनेजर को, जो कि हाईली क्वालिफाइड होता है और एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको अपनी मनी देते हैं ताकि वो मार्केट में उस मनी को इन्वेस्ट करके एक्सेस रिटर्न अर्न कर सके. और जो एक्सेस रिटर्न होता है उसमें से जो फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो एक स्मॉल फी चार्ज करते हैं जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं. और ये रेशियो 1% टू 2% वेरी करता है स्कीम टू स्कीम इन द फंड्स. और म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अलग अलग तरीके के एक्सपेंस भी इंक्लूडेड होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे. और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं एक्चुअली स्कीम्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं और इनके इन्वेस्ट होराइजन में काफ़ी अलग अलग सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोथ, एंड कमर्शियल पेपर में करते हैं जो कि बैंक्स के थ्रू रिलीज होते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और डिबेंचर्स भी एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स होता है जिसमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको हर एक रेगुलर इंटरवल पे मिलता है. तो ये पूरा होराइजन होता है म्यूचुअल फंड का जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. There are various types of mutual funds in the market. There are more than hundreds of these schemes in the mutual funds. So it is very important to identify what schemes suits you or what is better for you. There are many types of scheme, but इसमें मैंने खाली वही include करी हैं जो कि major schemes हैं जिसके according सारे mutual funds में ये schemes होती हैं. So मैंने इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है इसको. फर्स्ट इज़ इक्विटी फंड्स, एंड सेकंड वन इज़ डेट एंड अदर्स फंड, एंड थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल फंड्स. तो पहले हम जानते हैं लार्ज इन इक्विटी फंड्स देयर आर लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स एंड फ्लैक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स. बेसिकली इनकी कोई एक हार्ड डेफिनेशन नहीं है, बट स्टिल मैनी पीपल और म्यूचुअल फंड्स इनको एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन लार्ज कैप फंड्स में जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं कंट्रीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया देर आर सेवरल बिग कंपनीज सच एज टाटा ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी एंड HUL एक्सेट्रा. और मिड कैप में वो कंपनीज आती हैं जो टॉप 100 से ऊपर और टॉप 250 से बीच के होती हैं, मतलब 100 टू 250 के बीच में जो कंपनीज होती हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, उनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वो मिड कैप्स में आते हैं. और स्मॉल कैप्स में स्मॉल कंपनीज आती हैं जो क्या कहते हैं टॉप 250 कंपनीज में नहीं आ पाती हैं, वो सारी स्मॉल कैप फंड्स कंपनीज में आ जाते हैं. और फ्लैक्सी कैप फंड में जो तीनों, और फॉर एग्जांपल जो स्कीम लार्ज कैप की होगी वो उसमें जो मेजर चंक होगा वो सारा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, और जो मिड कैप का होगा वो सारा मिड कैप में. लेकिन जो फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप होते हैं ये तीनों टाइप्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लैक्सी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती फंड मैनेजर को कि किस कौन सी टाइप्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है. दे कैन इन्वेस्ट इन एनी टाइप्स ऑफ कंपनी. और मल्टी कैप में क्या होता है कि 25-25-25 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर तीनों टाइप्स की कंपनी में, स्मॉल, मिड और लार्ज. और बाकी के जो 25% बचता है वो किसी में भी वो कर सकता है, ठीक है. और इंडेक्स फंड्स जो होते हैं एक पैसिव व्हीकल होता है जिसमें फंड मैनेजर को कुछ ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करनी होती हैं, खाली ये जो होते हैं एक इंडाइसिस को ट्रैक करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडेक्स फंड जो निफ्टी को ट्रैक करता है तो निफ्टी के जो रिटर्न्स होंगे वही इंडेक्स फंड्स के रिटर्न होंगे. बस थोड़ा सा बिल्कुल 0.01% का एक्सपेंस रेशियोज़ होते हैं इसमें, वो बस कट के आएंगे आपके. और बाकी जो होता है ये इंडाइसिस पैसिव फंड्स होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं.
तो सेकेंड टाइप्स इज डेट एंड अदर। डेट फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी कम रिटर्न देते हैं एज कम्पेयर टू द इक्विटी फंड्स, बट डेट फंड्स आर इम्पोर्टेंट टू स्टेबलाइज योर पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल एक रूल होता है इसमें, जितनी आपकी एज है आपका उतना जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डेट में होना चाहिए, मीन्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में होना चाहिए आपका, जिसमें कम रिस्क होता है काफ़ी। सो डेट फंड्स में बेसिकली जो कहते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स और स्टेट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इन सारे डेट फंड्स में। इसके फर्दर अदर कैटेगरीज भी होते हैं लेकिन उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। और लिक्विड फंड्स जो होते हैं उसमें फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर बाय द बैंक्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनका जो रिटर्न्स होते हैं वो बैंक से कुछ 1-2% ऊपर होते हैं, फॉर एग्जांपल 4-5% और 3% इतना ही आप इसमें रिटर्न मिलता है, लेकिन ये काफ़ी लिक्विड होते हैं। और अगर आप इनको रिडीम करना चाहें, आप सेल करना चाहें, तो आपको वन डे के अंदर आपको इसका अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इमरजेंसी फंड जो आते हैं होते हैं आपके उसको पार करने के लिए काफ़ी सही है। फिर उसके बाद हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें बहुत इक्विटी और डेट को कंबाइन करा जाता है स्कीम्स में, मतलब बहुत एक स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है और डेट फंड्स में भी, बॉन्ड्स और डिबेंचर में भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसके एवरेज रिटर्न रहते हैं तकरीबन 8-10% इन द लॉन्ग टर्म, मींस 5 ईयर के होराइजन में। फिर आते हैं मल्टी एसेट्स फंड्स। मल्टी एसेट्स फंड जो हैं अभी 2-3 साल में ही पॉपुलर हुए हैं, जिसमें कि जो फंड मैनेजर होता है वो गोल्ड, इंटरनेशनल फंड और डोमेस्टिक इक्विटी तीनों को कंबाइन करके एक फंड बनाता है, जो कि काफ़ी सही होता है बिकॉज वो आपके जो रिस्क होता है उसको डाइवर्सिफाई कर देता है अदर एसेट्स में। और लास्ट वन इज़ थेमेटिक फंड। थेमेटिक फंड्स होते हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउसिंग फंड जिसमें खाली जो हाउसिंग रिलेटेड कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल पेंटिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो हाउस का कॉन्ट्रैक्ट लेती हो, और हाउस डेवलपमेंट कंपनीज, और फॉर एग्जांपल आईटी, एक मतलब एक सेक्टर और थीम पे बेस्ड होते हैं ये फंड्स। तो ये भी अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पे काफ़ी बुलिश हैं तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बैंक्स को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी बुलिश हैं पीएसयू बैंक्स के में और प्राइवेट बैंक्स में बहुत, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है। और थर्ड वन इज़ इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स जो हैं वो पिछले 2 साल में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ भी हुए हैं। तो इंटरनेशनल फंड में फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएस के नैसडेक में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें स्कीम्स आती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंटरनेशनली। और एक दूसरे टाइप्स के फंड जो होते हैं उसमें इंटरनेशनली, कुछ इंटरनेशनल फंड्स होते हैं कुछ जो ओवरऑल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फंड होता है HDFC का जो कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, मोर देन 20 कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, फॉर डेवलप्ड और इमर्जिंग कंट्रीज़, तो उसमें इन्वेस्ट करता है। और कुछ होते हैं कंट्री स्पेसिफिक फंड्स, फॉर एग्जांपल नैसडेक हो गया जो कि यूएस की कंपनीज जो टेक बेस्ड कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, या फिर कुछ शंघाई कंपोजिट इंडेक्स होता है उसको ट्रैक करते हैं कुछ, मतलब चाइना के अराउंड इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं जिसमें कोई भी किसी और कंट्री में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वहाँ पर भी कर सकता है। नेक्स्ट, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। सो अब देखते हैं कि हमें एक्चुअल में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। सो कभी भी आपको कोई स्कीम्स दिखेंगी या कुछ भी दिखेगा तो उसमें 2 टाइप्स की स्कीम्स होती हैं एट अ ब्रॉडर लेवल। फर्स्ट वन इज रेगुलर एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट। सो इसमें क्या होता है, जैसे जो रेगुलर स्कीम्स होती हैं, जो रेगुलर वे ऑफ इन्वेस्टिंग होते हैं म्यूचुअल फंड्स, उसमें आपका जो उसमें जो आपकी मनी इन्वेस्ट होगी वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट होगी, ठीक है। और जो डायरेक्ट भी होगा उसमें आप सीधा फंड मैनेजर को अपनी मनी दोगे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, उसमें आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को दे रहे हो, तो कि डायरेक्ट हो गया। रेगुलर में आपका एक बीच में क्या कहते हैं एजेंट होगा, तो पहले आप एजेंट को कॉन्टैक्ट करोगे, एजेंट जो होगा वो आपका जो भी अमाउंट या जो भी आपका स्कीम है फिर वो जाके फंड में जो भी म्यूचुअल फंड है उसको इन्फॉर्म करेगा। तो बीच में ये होता है, तो जो भी रेगुलर स्कीम्स होते हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5-1% तक ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट फंड, बिकॉज उसमें जो एजेंट होता है उसका भी कमीशन उसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन जो रेगुलर स्कीम्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, उसमें आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज में मिलती है, फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हैं वो, और आपको टैक्सेशन के बारे में समझाते हैं,
और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बिल्कुल आपको ज़ीरो नॉलेज है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप नॉलेज एक्वायर कर सको या फिर अपने पोर्टफोलियोज़ को ट्रैक कर सको टाइम टू टाइम, तो आपको रेगुलर फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। नो डाउट कि ये 1% आपका जो रिटर्न या फिर 0.5% जो रिटर्न है वो आपका कम आएगा इसमें, और लॉन्ग टर्म में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 to 10 years और मे बी 20 years में ये 1% थोड़ा बहुत कंपाउंड इफेक्ट होके काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है आपका, लेकिन फिर भी ये वर्थ इट है अगर आप, बिकॉज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो चांसेस हैं कि आप कुछ गलत चीज़ें बाय कर लेंगे जो आपके आपके आपको सूट नहीं करेंगी। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर रेगुलर स्कीम्स इफ़ यू डोंट नो अबाउट एनी थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग और टैक्सेशन एक्सेट्रा। तो डायरेक्ट वे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनको फाइनेंस की पहले से नॉलेज है, जिनको पता है कि टैक्सेशन कैसे वर्क करता है और म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स होती हैं या फिर जो मार्केट में चल रहा है वो कैसे अभी सब कुछ वर्क करता है। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो डायरेक्ट स्कीम कर सकते हैं जिसमें वो खुद ही उनको नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें क्या एक्सपेंसेस हैं और क्या चार्जेस हैं, क्या मतलब पूरी डिटेल उनको पता होनी चाहिए सारी टर्मिनोलॉजी। उनके लिए डायरेक्ट फंड बेटर एज कम्पेयर टू द रेगुलर फंड। सो दैट्स इट ऑल फॉर माई साइड। इफ़ यू हैव एनी सजेशन टू मी, please do comment below, and thank you so much for listening to me.